हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है मेरे चैनल किचन धमाका में। तो आज हम बंगाली रेसिपी मिष्टी दही बनाएंगे, जो कि बहुत ही खाने में अच्छी लगती है और इसे हम व्रत में भी खा सकते हैं। तो जैसे कि नवरात्रि का व्रत आ रहा है, तो आप नवरात्रि के व्रत के लिए भी ये दही जमा सकते हैं और बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही कम चीज़ों में ये दही बनकर तैयार होगी। तो फ्रेंड, आपने मदर डेयरी की मिष्टी दही खाई होगी और तो ऐसी दही बिल्कुल हम आज जमाएंगे। तो मिष्टी दही जमाने के लिए हमें सबसे पहले हमने काऊ मिल्क ले लिया है, आप देख सकते हैं हमने ये 1 लीटर काऊ मिल्क लिया है, ये देखिए। तो हम 1 लीटर दूध की मिष्टी दही जमाएंगे। तो यह दूध हम एक पतीले में डाल लेंगे। हमने पतीले में दूध डाल लिया है। और दूध को हमें उबाल लेना है। अब हम गैस पर से दूध को रख देंगे उबलने के लिए। तो फ्रेंड, जब तक हमारा दूध उबल रहा है तब तक हम हंकर्ड बना लेते हैं। तो इसे बनाने के लिए हमने एक छन्नी ले ली है और इसमें हम अपनी दही डाल देंगे। अगर आप चाहें तो इसे पहले से हंकर्ड बनाकर रख सकते हैं। तो हमने एक छन्नी में दही डाल दी है और अब इसका पानी धीरे धीरे रिलीफ होगा। तो यह हम 10 मिनट तक रख देंगे या थोड़ी और देर के लिए। तो अब हमारी दही जो है हमने रख दी है। तो फ्रेंड, अब मैंने एक पैन ले लिया है जिसमें मैं शुगर डाल दूंगी। ये हमारा शुगर 1 कप है, 1 कप से थोड़ा कम है। इसका हम कैरेमल बनाएंगे, जो कि ये मिष्टी दही बनाएंगे उसमें हम डालेंगे। इससे मिष्टी दही का कलर चेंज होगा, बिल्कुल मिष्टी दही की तरह मतलब कलर आएगा, इसलिए इसको डालना ज़रूरी है। कलर के लिए आप चाहें तो प्लेन भी मिष्टी दही बना सकते हैं। तो चलिए अब हम इसको कैरेमल बनाएं। तो फ्रेंड, कैरेमल बनाने के लिए हमने चीनी ले ली है 1 कप और इसमें हमें पानी नहीं डालना है। अब चीनी को इस तरह आपको मिक्स करते रहना है जब तक हमारा कैरेमल बनकर तैयार ना हो जाए। तो फ्रेंड, ये दही खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है और आप घर में बनाइए, बिल्कुल बाजार जैसी आइसक्रीम से भी बढ़िया दही लगती है ये मिष्टी दही खाने में। और ये थोड़ा सर्दियों में थोड़ी देर में जमती है, पर अब गर्मी जैसे आप गर्मियों में जमाएंगे तो बहुत ही आसानी से जम जाएगी ये। आप देख सकते हैं, ये देखिए हमारी चीनी घुलने लगी है। आपको इस तरीके से मिक्स करते रहना है। तो फ्रेंड, आप देख सकते हैं हमारी चीनी घुल चुकी है और इसका कलर भी चेंज हो रहा है। तो आपको इसे ब्राउन कर लेना है, इसको कैरेमल को। आप देख सकते हैं हमारा कैरेमल तैयार होने वाला है बिल्कुल। तो फ्रेंड, आप देख सकते हैं हमारा कैरेमल बिल्कुल बनकर तैयार हो चुका है। अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे मिक्स करते रहेंगे ऐसे। अब हम इसमें दूध अपना डाल देते हैं, जो मैंने काऊ मिल्क गर्म किया था, इसमें हम दूध डाल देंगे अपना।
दूध डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गैस की फ्लेम को मैंने बंद कर रखा है, इसमें हम और दूध डालेंगे थोड़ा। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं कैरामेल हमारा मिक्स हो गया दूध में। अब हम गैस की फ्लेम को ऑन करेंगे और मीडियम फ्लेम पर दूध को थोड़ा सा गाढ़ा कर लेंगे, इसे अच्छे से मिक्स करते हुए, ताकि दही हमारी, मिष्टी दही हमारी गाढ़ी गाढ़ी जमे। थोड़ा सा दूध को हमें गाढ़ा कर लेना है आपको इस तरीके से। तो हम मिष्टी दही के दूध को 5-10 मिनट तक ऐसे लो फ्लेम पर इसे पकाएंगे, ताकि मिष्टी दही हमारी बिल्कुल बर्फी की तरह जमे और बहुत ही अच्छी जमे गाढ़ी। तो हमें इसी तरह इसको चलाते हुए इसे दूध को थोड़ा कम कर लेना है। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं दूध हमारा गाढ़ा हो चुका है। ये देखिए इसका कलर भी बिल्कुल जैसे कॉफ़ी हम बनाते हैं या फिर चाय हैं दूध वाली, बिल्कुल उस तरीके का कलर आया है कैरेमल से। तो फ्रेंड अब हम इसमें थोड़ी सी शुगर और ऐड कर देंगे, ताकि मिष्टी दही हमारी मीठी हो। तो हमने इसमें थोड़ी शुगर और डाल दी है। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और हमारा हंकड़ भी बनकर तैयार हो चुका है। तो अब हम इसे दूध को हल्के गुनगुना करने के लिए रख देंगे, थोड़ा सा ठंडा हो जाए, फिर हम इसकी दही जमाएंगे। अब हमारी हमने जो चीनी डाली थी ये अच्छे से मिक्स हो चुकी है और दूध भी हमारा गाढ़ा हो चुका है, हल्का गाढ़ा हमें इसे करना था। तो चलिए अब हम गैस की फ्लेम को बंद करते हैं और दूध को ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं, फिर हम इसकी दही जमाएंगे। तो चलिए फ्रेंड गैस की फ्लेम को बंद करते हैं। दूध को हम 15 मिनट के लिए छोड़ देते हैं कि ठंडा हो जाए, फिर इसकी दही जमाएंगे। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं हमारा दूध हल्का गुनगुना हो चुका है, ठंडा हो चुका है, मतलब इतना ठंडा हमने किया है कि इसमें उंगली डाले तो उंगली जले नहीं। आप देख सकते हैं जो मैंने हंकड़ रखा था उसने भी पानी अपना इसमें से निकल चुका है। अब हम दही को अच्छे से इसमें डालकर फेंट लेंगे एक बाउल में, और इसे 10-15 मिनट के लिए रख दें, ताकि इसका पानी अच्छे से निकल जाए। तो हमारी दही का पानी अच्छे से निकल गया, और दही को आपको अच्छे से फेंट लेना है। आप देख सकते हैं हमारी दही अच्छे से फेंट चुकी है। अब हम दही को इसमें मिला देंगे, मिष्टी दही में, अपनी मिष्टी दही में मिला के इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें हमारे बाउल में थोड़ी दही लगी थी, तो इसको भी हम इसमें डाल देंगे, मिक्स कर लेंगे ऐसे दही को हमारी दही इससे, ताकि दही हमारी बहुत ही बढ़िया। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं दही जमाने के लिए मैंने एक मिट्टी का बर्तन ले लिया है। आप देख सकते हैं मैंने मिट्टी का बर्तन लिया है। अब हम इसमें अपना दूध डाल देंगे, क्योंकि मिट्टी के बर्तन में दही बहुत ही अच्छी जमकर बाहर आती है और बहुत ही खाने में टेस्टी लगती है। तो इसमें हम दही जमा देंगे। अब तो फ्रेंड अब हम इसमें सिल्वर फॉइल लगा देंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने सिल्वर फॉइल ले लिया है, तो हम इस तरीके से ढक देंगे।
और दही को आपको ऐसी जगह पर रखनी है कि ये बिल्कुल इसको हिलाना नहीं 5 से 6 घंटे तक के लिए, और गर्म जगह पर रखनी है। और जो हमारा ये दूध बचा हुआ है मिष्टी दही का, इसे हम एक पतीले में और डाल देंगे, इसको भी जमने के लिए रख देंगे। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं, और अब हम इसे एक गर्म बर्तन में रखेंगे। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं, ये मैंने फ्राई पैन लिया है, उसमें मैंने गर्म पानी कर लिया है और उसमें ये स्टैंड रख दिया है। तो इसमें इसके अंदर हम अपनी दही को रख देंगे ताकि ये गर्माहट में अच्छे से जमे इसके ऊपर, और इसे हम ढक कर रखेंगे 5 से 6 घंटों के लिए। अब हम एक कपड़े से इसे ढक देंगे कि इसमें अच्छे से हमारी दही जम जाए। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं कि हमने दही 5 से 6 घंटे के लिए रख दी थी जमने के लिए। चलिए अब हम देखते हैं इसे खोलकर कि दही हमारी कैसी जमी है। तो आप देख सकते हैं हमारी दही जम चुकी है, और ये देखिए हमने 2 बर्तन में जमाई थी, तो इसको भी देखिए दोनों में दही हमारी अच्छे से जम गई है। चलिए अब हम इसको देख लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड हमारी मिष्टी दही बिल्कुल जम चुकी है। इसे हम फ्रिज में रख देंगे तो टाइट हो जाएगी, और ये वाली दही भी आप देख सकते हैं, ये देखिए बिल्कुल बर्फी की तरह जमी है। तो फ्रेंड अगर आपको मिष्टी दही जमानी है तो आप इसे 5 से 6 घंटे बाहर रख दें, और फिर उसके बाद आप इसको फ्रिज में रखें तो ये अच्छे से जम जाएगी। और फ्रेंड अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू फ्रेंड वीडियो देखने के लिए।